एन पाई प्लस साइन टू एन पाई, टू पाई बाई एन प्लस साइन थ्री पाई बाई एन प्लस अब टू एन टर्म तक है इक्वल्स टू क्या दिया गया है। हाँ जी, जो चीज़ें आपके पास गिवन है उसको लिख लीजिएगा, साइन पाई बाई एन प्लस साइन टू पाई बाई एन प्लस साइन थ्री पाई बाई एन अप टू एन टर्म तक है और इक्वल्स टू दिया है आपके पास टू प्लस रूट थ्री। पूछा है आपसे एन क्या होगा। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेंस का नहीं है, जो एडवांस का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। फंडा वही करना है, साइन है तो तीन चीज़ें आएगी, तीन साइन आएगा और थ्री साइन आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है। अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई एन है। बीटा क्या है आपका, वो भी पाई बाई एन है। और एन क्या है आपका, एन है मतलब एन आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है भाई। और दिया है कि अप टू एन टर्म्स तक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एन है। हाँ जी, अगर इनकी बात करते हैं तो ये, इनका सम की बात करते हैं तो ये थ्री साइन लेके आते हैं, साइन अपॉन साइन इंटू साइन। अच्छा, आप मेरे को एक बात बता दीजिएगा, एन टर्म की बात कर रहे हो तो ये क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, एन इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पाई बाई एन, पाई बाई एन डिवाइड टू, यहाँ कॉमन डिफरेंस पाई बाई एन बाई टू, यहाँ फर्स्ट टर्म आपकी पाई बाई एन प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी। हाँ जी, लास्ट टर्म देखिएगा, लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी पाई बाई टू एन डिवाइड टू। आराम से देखिएगा चीज को, इजीली देखिएगा। अच्छा, एक बात और बताइएगा मेरे को, इसको सोच के थोड़ा सा सोचिएगा। अच्छा, आप एन से एन को काटोगे, इसको काट दोगे तो यहाँ बचेगा पाई बाई टू जो वन होगा, मैंने लिख दिया है वन। नीचे वाला बोलिएगा साइन पाई बाई टू एन। हाँ जी, यहाँ आप मेरे को समझा दीजिएगा बस इतना सा। अच्छा, ये आपने गलत लिखवाया है थोड़ा सा, इसको देखिएगा सर, ये आपने लिखवाया है। हाँ जी, एन टर्म का मतलब हो गया एन पाई बाई एन, लास्ट टर्म इसकी हो गई है एन इंटू एन पाई बाई एन। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इजी बना लेता हूँ, ये बन गया है पाई प्लस, ध्यान से सुनिएगा, ये अंदर वाला बन गए हैं पाई प्लस पाई बाई एन, यानी कि पाई प्लस थीटा नज़र आ रहा है आपको, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन से में जाता है, थर्ड में जाता है। और थर्ड में ये क्या लेके आता है अपने आप को, बोला जाए भाई, थर्ड में क्या लेके आता है ये। थर्ड में लेके आता है ये कोस, क्या लेके आता है कोस। तो ये हो जाएगा ऊपर, हो जाएगा कोस पाई बाई टू एन। और सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ध्यान से सुनिएगा, मैं यही सोच रहा था कि ये नेगेटिव कैसे आ रहा है, आपने बोल दिया तो ये बन जाएगा, ये किस तरीके से सोल्व होगा सुनिएगा। ये पाई बाई टू एन है प्लस पाई बाई टू है, तो ये नज़र आएगा आपको पाई बाई टू प्लस थीटा के फॉर्मेट में,
और पाई बाई टू प्लस थीटा जाएगा आपका सेकंड में, तो पाई बाई में को चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस प्लस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई टू एन इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू है टू प्लस रूट थ्री। और आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये नज़र आ रहा है आपको कोट पाई अपॉन टू एन इक्वल्स टू टू प्लस रूट थ्री। हाँ जी, यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। तो इस बॉक्स में आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ आप जानते हो 10-15 डिग्री की वैल्यू वो होती है टू माइनस रूट थ्री। अच्छा, कोट 15 की बात करते हो तो वो होती है वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कोट 15 डिग्री आ जाएगा आपका टू प्लस रूट थ्री, और कोट 50 डिग्री को बोलते हैं, 15 डिग्री को आप बोलते हैं, सॉरी कोट 15 डिग्री को बोलते हो कोट पाई बाई 12 है। तो यहाँ मैं यूज कर सकता हूँ, ये हो गया है कोट पाई बाई 2n और ये हो गया है कोट पाई बाई 12। यहाँ थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये बनेगा पाई अपॉन 2n इक्वल टू पाई अपॉन 12, पाई से पाई कैंसिल हो गए हैं, है ना, और 2n इक्वल टू 12 आ गया है, तो n इक्वल टू क्या आ गया है 6। आपका आंसर आ गया है। जो ये एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है।